कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और जिसका टॉपिक था कि हमारे जो सैलॉन्स हैं, ब्यूटी सैलॉन्स हैं, उनके स्टाफ को भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए होती है जितनी एक कस्टमर को चाहिए होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्विस इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, और उसमें जो सबसे अहम बात है सर्विस इंडस्ट्री का, जो सबसे मेजर बिग प्रॉब्लम है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई बहुत बड़ा सर्विस सेंटर खोल लें, बहुत बड़ा सैलून खोल लें, हाई पेड स्टाफ रख लें, बहुत फैशनेबल फीमेल्स रख लें, बहुत फैशनेबल मेल्स रख लें, आपके वो वेलकम भी बहुत अच्छा करें, लेकिन हाई पेड सैलरी स्टाफ हो, हाई पेड लोकेशन हो, बट इन केस योर सैलून, योर सर्विस सेंटर क्लाइंट्स आर नॉट हैप्पी, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ऑल थिंग्स आर यूजलेस, क्योंकि बेसिकली जो आपका पैसा है वो किस लिए है, क्योंकि आप बिजनेस कर सकें, आप अर्निंग कर सकें, बट अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आपका कस्टमर आपसे अनोइंग है, तो डेफिनेटली चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। वी ऑलवेज ट्राई कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद आवर सैलॉन, विद आवर कस्टमर सर्विस सेंटर। आज मैं दो सर्विस सेंटर, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, टेलीकॉम का हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री का हो सकता है, और सैलॉन की एग्जाम्पल के साथ बात करती हूँ। और ये अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कस्टमर को अनोइंग कर रही है, जो कस्टमर को अनकंफर्टेबल कर रही है और कस्टमर की अनहैप्पीनेस का बाइस बन रही है, तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। क्योंकि रीज़न ये आती है, जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपका बिजनेस ठप का ठप हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आज के हमारे टॉपिक किस चीज़ पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। दो सर्विस इंडस्ट्री, एक ब्यूटी सैलून्स की और दूसरा किसी भी आईटी और टेलीकॉम इंडस्ट्री का सर्विस सेंटर, जहाँ पर कस्टमर आता है और आपने उसको सेटिस्फाइड करना होता है। अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं करते तो आपकी सारी की सारी मेहनत, आपका सारा का सारा पैसा ठप होके रह जाता है और आप एक लॉस में चले जाते हैं। जैसे ही क्लाइंट अंदर एंटर होता है सैलून के, किसी भी सर्विस सेंटर के, अटेंड क्लाइंट वेरी नाइसली। आप क्लाइंट को कैसे डील करेंगे, आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करेंगे, डील विथ स्माइल। एक सड़ा हुआ सा फेस, एक बदतमीजी वाला बिहेवियर, एक अनोइंग बिहेवियर कस्टमर को, क्लाइंट को अनोइंग करता है। स्पार्क इन योर आइज, आपकी आइज में स्पार्कनेस होनी चाहिए। जब कस्टमर आपसे बात कर रहा हो तो उसको फील हो कि यस, वो किसी से बात कर रहा है, उसको अच्छा फील हो, फील कंपैशन, उसको कंपैशन फील हो, उसको फील हो कि आप उसके लिए ही बैठे हुए हैं। एंड मेक कनेक्शन विद योर क्लाइंट्स। अगर कस्टमर आपके सैलून में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो क्यों आ रहा है, वो किस प्रॉब्लम से, किस इशू से आ रहा है। सेम प्रॉब्लम कि जब आपका कस्टमर आपके किसी सर्विस सेंटर में आते हैं तो आपको पता हो कि वो क्यों, किस रीज़न से अंदर एंटर हो रहा है। आप ये देखें कि जब आपका कस्टमर आता है तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि वो क्यों आ रहा है, और आप उसके प्रॉब्लम को, बहुत छोटे से प्रॉब्लम को भी ऐसे डील करें कि जैसे वो समझे कि आपने उसका पेन को, उसकी एक्चुअल नेचर को समझ लिया है। आपका जो क्लाइंट है वो पॉजिटिव वाइब्स फील करे, आपको जब वो आप उससे डील कर रहे हो तो उसे लगे कि यस, ये मेरे लिए ही बैठा हुआ था। वन मोर थिंग, जब वो एंटर हो गया, आपने स्माइल कर लिया, आपने स्पार्क कर लिया, आपकी आईज, आपने कंपैशन क्रिएट कर लिया, आपने उसके साथ कनेक्शन बना लिया, देन फोकस ऑन क्लाइंट पर्पस व्हेन यू रेकमेंड द सर्विस। अब देखिए, अब अगर आईटी की अगर हम बात करें या टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर वो कोई कनेक्शन लेने आ रहा है तो आपको क्लाइंट का पता होना चाहिए कि क्लाइंट किस पर्पस से, और उसका बेसिक, उस सर्विस को यूज़ करने का पर्पस क्या है। इसी तरह अगर हम सैलून की बात करें तो अगर कोई क्लाइंट अंदर एंटर होता है तो आपने उससे पूछना है कि उस सर्विस, वो आप उससे पूछें कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं। इनकेस अगर वो कहते हैं या कहती है कि जी मुझे ऑयल मसाज करवाना है, हेयर मसाज करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसका, क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, पर्पस क्या है उसको करवाने का, उसका पेन क्या है। इसी तरह सर्विस सेंटर की बात की जाए, टेलीकॉम इंडस्ट्री की, अगर कोई आपके पास क्लाइंट या कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे आपका कोई कनेक्शन बाय करना चाहता है, तो आपको पता होना चाहिए क्लाइंट का यूजेज क्या है।
अगर क्लाइंट, जब मैं पहले सैलून की बात करती हूँ, जब ऑयल मसाज या हेड मसाज की बात करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? बेसिकली पीस ऑफ माइंड, रिलैक्सेशन, नर्चरिंग द हेड, आपके बालों को और स्ट्रॉन्ग करना। आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप हेड मसाज पे जाते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा, और अगर इन केस अगर आप स्पा हेयर ट्रीटमेंट पे जाते हैं जिसमें आपकी ऑयलिंग भी होगी, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐड की जाएंगी, तो वो उसको और फील होगा कि यस, ये मुझे अपना कुछ मेरी चीज़ का पेन ले रहा है। ड्यूरिंग सर्विस, अगर आप जब सर्विस उसको दे रहे हैं, मैंने जिस तरह पहले बात की, उसका मेजर पर्पस क्या है, हेड मसाज का मेजर पर्पस क्या होता है? रिलैक्सेशन, पीसफुलनेस। बट इन केस अगर वो नहीं होती तो डेफिनेटली ड्यूरिंग सर्विस, अगर उसको वहाँ पर रश नॉइजी लगता है, आपको शोर आ रहा होता है, या फिर बच्चों के रोने धोने की आवाज़ें आ रही होती हैं, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीन चलने की, ड्रायर चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो चीज़ उसके लिए रेस्टलेस हो जाएगी और आपकी सारी सर्विस, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, चाहे आपने जितनी मर्जी अच्छी सर्विस दी हो, ये बहुत एक बेकार रहेगा। और अगर तीसरा पॉइंट पर हम आते हैं, तीसरा पॉइंट क्या आता है? अंडरस्टैंड क्लाइंट साइकोलॉजी। दिस इज़ द मेन की पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, एनी काइंड ऑफ, आइदर आप आईटी की बात कर लें, आइदर आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, एजुकेशनल सेक्टर की कर लें, सैलॉन्स की कर लें, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लाइंट साइकोलॉजी। जब आपका क्लाइंट अंदर आता है, आप देखिए एक दुकानदार की एग्जाम्पल लेते हैं, आई रिमेम्बर कि हमारे यहाँ पर ये एक मिथ है, और ये शायद गलत मिथ भी नहीं है, कि जब आप किसी शॉप के अंदर एंटर होते हैं ना, तो दुकानदार को पता चल जाता है कि इस पर्सन की जेब में पैसा कितना है, यानी उसको, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं उसकी बाइंग पावर कितनी है। अगर उसको बाइंग पावर का आइडिया हो जाता है तो इट्स मीन वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यस, ये मुझसे चीज़ खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लाइंट साइकोलॉजी। जब आपने क्लाइंट की साइकोलॉजी को, मेंटेलिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपने क्लाइंट को टाइम देना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसके इशू को आपने किस तरह टैकल करना है। एक क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सैलून की बात करती हूँ, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। आप उसको वो सर्विस ऑफर करें, वो चीज़ ऑफर करें जिससे उसको आइडिया हो कि यस, ये चीज़ मुझे इतने टाइम में, मेरी अकॉर्डिंग टू माई टाइम ड्यूरेशन मुझे मिल जाएगी। वी मस्ट नो आवर क्लाइंट फास्ट है, मीडियम है, स्लो है, उसको किस टाइप की सर्विस, कितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है। स्लो सर्विस अगर उसको चाहिए और आप उसको फास्ट सर्विस दे देंगे, यू नो व्हाट, इट्स लाइक ब्लास्ट। रीज़न ये कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि जी मुझे हेड मसाज चाहिए, और आप उसको थर जल्दी जल्दी ये एक और बंदी को भी बुलाओ, वो भी साथ कर रही है, जब आप ये काम करेंगे तो कस्टमर, क्लाइंट आपसे नाराज़ होगा, वो कभी भी खुश होकर नहीं जाएगा। और अगर हम सर्विस सेंटर की बात करें, तो जब आपके पास क्लाइंट आता है, जब आपके पास कस्टमर आता है, यू मस्ट नो उसका मेन पहले क्या था, पर्पस क्या था। क्योंकि उसने देखें, अगर उसने गेमिंग करनी है, गेम्स खेलनी है, तो 10 MB नेट उसके लिए बेकार है। आप उसको सजेस्ट करेंगे सर आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, फिर आप उसको बताएं, और फिर उसको उसके बजट का बेनिफिट बताएं। इसको इंटरलिंक करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आप उसको सिर्फ हाई बजट बताएंगे बेनिफिट, तो उसको लगेगा कि शायद मेरी जेब से पैसा निकाल लें। जैसे आप देखिए, बाइंग पावर क्यों कहते हैं, कि हमारे दुकानदार तो कस्टमर की जेबों से पैसे तक निकाल लेते हैं, ये बात सच है। और ये सारे टेक्टिक्स होते हैं अपने अपने एम्प्लॉयज़ को टैकल के, अपने कस्टमर को टैकल कैसे करना है। बीइंग एचआर हमारे मुंह पे बार बार यही चढ़ा होता है कि जी एम्प्लॉयज़ को कैसे टैकल करना है, बट हमारा एक इंटरनल कस्टमर होता है, एक एक्सटर्नल होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो अपने इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल कस्टमर की कर रहे हैं। अब जो हमने बात की, अगला पॉइंट जो हमारा इंटरलिंक हो रहा है, सर्विस एज पर क्लाइंट बजट। आप उसको ऑफर करें डिफरेंट सर्विसेज और क्लाइंट का बजट चेक करें। ये इस बजट को चेक करना बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि रीज़न ये आती है कि जब आप क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर रहे होती हैं, जितना उसकी जेब से पैसा जा रहा है, उसका अगर बेनिफिट उसको मिल रहा हो ना, तो उसको पेन नहीं होता, उसको दर्द नहीं होता। अगर आपने किसी को सर्विस नेट की दी हुई है और आपके महीने में 20 दिन आपका नेट ही नहीं आता, तो
कस्टमर को बहुत दुख होगा, पैसे से ज़्यादा उसको उस चीज़ पे होगा जो उसका टाइम वेस्ट हुआ, उसकी सर्विस उसने सारी उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई। दूसरा अगर हम ऑन द अदर साइड अगर हम सैलून की एग्जांपल लें, तो सैलून में सबसे मेन जो कंसर्न आता है, जो इश्यू आता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और हाइजीन्स का। सेफ्टी के सेंस में जब आप देखें, जब आपने डिफरेंट सर्विसेज करनी होती हैं तो आपको गाउन्स पहनने होते हैं, आपको वहाँ पर लाइक अगर आप नेक का मसाज करवाना है या अपने शोल्डर मसाज करवाना है या अपनी वैक्सिंग करवानी है, तो यू नीड टू चेंज योर क्लोथ्स फॉर दिस पर्पज। बहुत सारे हमारे यहाँ पर सैलून्स हैं जो सिंगल रूम में बने हुए हैं, वहीं पे उनका छोटे से एरिया होता है जहाँ पे उन्होंने चेंजिंग रूम बनाया था, तो वो क्लाइंट्स को कस्टमर को अनकंफर्टेबल करते हैं। सो फॉर दिस पर्पज ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि येस आपने जो आपके चेंजिंग रूम है वो प्रॉपर हो। और दूसरा एक और हाइजीन्स का जो इशू आता है, आप देखिए हमारे घरों में हम हमेशा देखते हैं कि हर एक का टावल अलग होते हैं, हर एक की हेयर ब्रश अलग होता है, तो फॉर दिस पर्पस अगर हम देखें तो ये हाइजीन्स को ही मैटर रख के किया जाता है। लेकिन इसको कहा जाता है कि जी नखरा स्टाइल ये वो, ये नखरा स्टाइल नहीं होता, ये आपकी एक हैबिट डेवलप हुई होती है। फॉर दिस टाइप ऑफ क्लाइंट यू नीड टू चेंज लाइक आपका हेयर ब्रश, आपका गाउन हो गया, ये सब चीज़ें बहुत आपकी हाइजीन्स प्रोटेक्टिव हो। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा आता है लेकिन लोग समझते शायद इतना मैटर नहीं करता, बट इट्स रियली ट्रू। इवन इन आज से 8 साल पहले आई स्टिल रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द क्लिनिक, बट आई थिंक सो हार्ट बीट नाम था और मुझे डॉक्टर का नाम अभी तक याद है। इत्तेफाक हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खोला था वो क्लिनिक और हम लोग हंसते थे वहाँ ड्राई फ्रूट भी चाय के साथ मिलते। जब आपका क्लाइंट आपके पास सर्विस के लिए आता है, सपोज लाइक वो छोटे से काम के लिए आता है, छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए आता है, तो इट वुड बी ओके। बट सपोज लाइक अगर वो बहुत आपके पास लॉन्ग सर्विस के लिए आए, उसकी मल्टीपल सर्विसेज हैं, लाइक हेयर ट्रीटमेंट भी है, स्किन ट्रीटमेंट भी है, सॉर्ट ऑफ लाइक मेनी अदर थिंग्स, सो दैट टाइम यू नीड आप उसके लिए छोटा सा कोई मील, छोटा सा कोई रिफ्रेशमेंट का उसका कोई अरेंज करें, ताकि वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड फील करे और उसको वेट करना भी बुरा ना लगे। ऑन द अदर साइड सेम लाइक जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आप देखिए कि वहाँ बैंक में कहा जाता है बैंक में चाय तो बहुत कॉमन है, तो इसी तरह के छोटे छोटे रिफ्रेशमेंट के वो जो माइंड में रख लिए जाते हैं तो ये कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की कामयाबी का देखें, राज देखें, तो सबसे मेन आता है कि उसका जो इंटरनल कस्टमर है, जो उसका इंटरनल एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड हो, और फिर उसका एक्सटर्नल जो कस्टमर है, जो उसके पास सर्विस लेने आ रहा है, जो उसके पास प्रोडक्ट लेने आ रहा है, वो उससे देखें आपका इंटरनल अगर कस्टमर जो आपका एम्प्लॉय है अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं। और वीडियोज़ देखने के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है और आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं nuzzat.trainerconsultant@gmail.com। मैं वो यहाँ नीचे मेंशन भी कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।